हाँ हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे? अच्छा अच्छा ना ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए? हाँ तो हाँ हाँ ये देखे देखे, फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है, समझ गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है, 37,278,180,000। तो आपके अकाउंट में 20,325 ये 17,000 इतना पैसा आया है? अकाउंट में आया पैसा। अच्छा कितना कितना दिया आपके अकाउंट में पैसा, मतलब समझा नहीं। आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है फ्रॉड एप्लीकेशन की तरफ से? 60% आया। 64 अच्छा अच्छा नहीं तो रिपेमेंट करने कोई भी जरूरत नहीं है, सब फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गया ना? कॉल वैसे करता है तो इसको इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं होगा। अभी कॉल नहीं आ रहे तो मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा इसका। नहीं नहीं आएगा, समझ गया, इनका काम है कॉल मैसेज करना, समझ गए सबके पास। पहले चार दिन आया था, चार हाँ, पांच दिन। हाँ हाँ अभी एक हफ्ता हो गया, अब एक हफ्ते के बाद हो गए अभी। नहीं इग्नोर कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा यही, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा, इग्नोर कीजिए, ठीक है ठीक है ठीक। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, यदि फ्रॉड एप्लीकेशन से आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, मान लीजिए आप फंसे हुए हैं, सोच रहे हैं कि भाई रिपेमेंट कर दे, रिपेमेंट करने के बाद सारा चीज नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं होता है, आपको रिपेमेंट करना ही नहीं है। यदि फ्रॉड एप्लीकेशन से आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, आप गलती किए हैं या जो भी कुछ रीजन है, जो भी कुछ रीजन है, आपको रिपेमेंट 1% भी आपको देना नहीं है पैसा। कॉल वैसे आता है आप इग्नोर कीजिए, एनबीएफसी एप्लीकेशन के मामला दूसरा है, आप लोग सोचते हैं कि एनबीएफसी एप्लीकेशन का भी पैसा ना दे। तो देखिए जिनके पास पैसा है तो टाइप रिपेमेंट कीजिए तो आपको लोन मिलेगा एनबीएफसी एप्लीकेशन से, यदि नहीं दीजिएगा तो कोई लोन नहीं मिलेगा। सोच रहे हैं कि भाई ये सिविल पर शो होता है जो ये बोले यहाँ पर ये फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में, सोच रहे हैं कि भाई इससे लोन आ गया पैसा तो सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। और लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि क्या गैलरी एक्सेस होती है, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई गैलरी एक्सेस नहीं होती है, बस उनका कॉल मैसेज बस आता रहेगा, आपको धमकी देगा, ऐसे ड्यूड पिक्चर भेजेगा, एडिटिंग कर यही सब भेजता रहेगा आप पर, और कुछ भी नहीं होता है। कॉल वैसे आता है इजीली, आप इग्नोर कीजिए, सबसे बढ़िया इग्नोर कीजिए, समझ गए? चलिए कॉल यहाँ पर उठा दे। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, बोलिए बोलिए। जी सर, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। जी सर, मैंने फ्लिपकार्ट से लैपटॉप लिया फ्लिपकार्ट पे लीटर से लिया था, वो जो ऑप्शन होता है पे लीटर वाला, ईएमआई वाला। मैंने उससे ले लिया था, बट मैंने एक महीने का तो ईएमआई दे दिया, बट इस टाइम मेरा फाइनेंशियल हालात, मतलब समझ रहे ना? जी, वो मैंने हॉस्पिटल के बिल विल सब दे दिए, तो मेरे पास सब बिल विल रखे भी हैं। तो फिर जैसे अगर मैं नहीं देता हूँ अभी, पोस्टपोन कर देता हूँ 3 महीने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जैसे अगर मैं 3 महीने तक ना दूँ? आपका देखिए सिविल स्कोर डाउन कर देगा, अब उसके बाद सोचिएगा 3 महीने बाद पैसा देने के लिए 1 भी रुपया मिलेगा नहीं तब पर भी, क्योंकि सिविल में शो करता है, समझ गए? सिविल में शो करता है कि आप किस एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, कितना आपके अकाउंट में पैसा आया है, कितना टाइम लगाए हैं देने में, सब शो करता है वो सबको, आपको नहीं, सब वो सब जान जाएगा, सब उसको दिखाई देगा, समझ गए? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे कोई लीगल एक्शन ले ले? ना ना, लीगल एक्शन कुछ नहीं होता, ये अनसिक्योर लोन है, कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, कॉल में से आएगा आपको डराएगा धमकाएगा और कुछ भी नहीं होता है। कोई मतलब पुलिस वुलिस का चक्कर? ना ना, ये तो बहुत दूर की बात है, पुलिस तो इन्वॉल्व होते हैं लीगल में, जहां पर लीगल होगा काम वही पर ना पुलिस आएंगे, बाकी जगह थोड़ी ना पुलिस घूमते फिरेंगे। जी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ना ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा
मैंने पूछना था कि मतलब कोई दिक्कत होगी तो इसमें फिर मतलब दिक्कत ना होंगे ना फिर। ना 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 कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है तो इनका फ्लिपकार्ट पे लेटर से लोन था, उसी के बारे में मतलब कि बात विचार हो रहा था कि मतलब क्या लीगल एक्शन लेगा कि नहीं लेगा। इनको बता दिए भाई कोई लीगल एक्शन यहाँ पर होगा नहीं, अनसिक्योर लोन में आता है तो कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, नहीं देते पैसा तो कोई लीगल एक्शन मतलब कि नहीं होगा, समझ गए ना। तो चलिए और सब आप लोग को बता देना चाहता हूँ, फ्रॉड एप्लीकेशन का तो आपको बता दिए पैसा आपको नहीं देना है। अब यहाँ पर आपको सुनाते हैं जो मतलब कि भेजे हैं रिकॉर्डिंग। बात कर रही हूँ, हेलो बोलिए, कैसे फाइनेंस से बात करी, गुड मॉर्निंग सर, ये आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा भूल गए थे मतलब कि, अच्छा कितना कितना बाकी है? 1791 रुपए का पेमेंट है सर, आपने ऑटो डेबिट एक्सेप्ट करके रखा हुआ है और ये ना सर आपका सिविल पे इफेक्ट कर रहा है। ऑटो डेबिट मतलब? मतलब कि अपने आप पैसा डिडक्ट हो जाता है ना अकाउंट से, मतलब चलो मेरा किस्त आने वाला है तो पैसा कट हो जाता है। अच्छा हाँ, तो उसमें ना सर आपका सिविल खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आपको पेमेंट करने आता है ना सर लिंक के थ्रू? लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक आपको आपके मेल आईडी और टेक्स्ट मैसेज पे जाता है। ठीक है, अच्छा आपकी आपको देखो आपकी मेल आईडी और टेक्स्ट मैसेज पे चेक कर लेना, सेम लिंक मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। ठीक है, सेम लिंक, इसी लिंक पे क्लिक करो, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर डालोगे, रजिस्टर मेल आईडी डालोगे तभी ये चालू होगा। ठीक है, ये क्योंकि वेरीफाइड लिंक है, प्रॉपर लिंक है, जब तक आपके मेल आईडी और फोन नंबर नहीं डालोगे ना ये ओपन ही नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद आपको यूपीआई का ऑप्शन आएगा, गूगल पे का ऑप्शन आएगा, आप उसके थ्रू पेमेंट कर देना। ठीक है, 11:06 हो रहे हैं सर, 11:16 पे मैं आपको कॉल करूंगी, प्लीज ये पेमेंट क्लियर करा दीजिएगा। ठीक है, आपको मेंशन भी कर देती 11:16 रुकिए। कैसी का है, समझ गए, कैसी का है तो ऑटो डेबिट है इनका, मतलब डेट का पेमेंट करने के लिए डेट ड्यू डेट चला गया सर, ड्यू डेट जाके 3 दिन हो चुका है आपका। कब का डेट था आज? तो 22 है, इससे पहले का था, 21 का ड्यू डेट था। ठीक है, हाँ 20 का ड्यू डेट रहता है, 21 को आपको ये होता है मतलब ऑटो डेबिट होता है, पर नहीं हुआ तो 22 का आपका केस हमारे पास आया। ऑटो डेबिट नहीं हो पाया, नहीं हुआ है, इसलिए तो आपको बोल रही हूँ, नहीं तो पूरा चेक करके करवा दो पेमेंट। ठीक है, मतलब ऑटो डेबिट ओके, अकाउंट ऑटोमेटिक कट जाएगा नहीं टाइम पर, क्या मतलब कि ऑटो डेबिट उसे ही ना कहते हैं, अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। हाँ लेकिन आपने वो आपका फेल हुआ है ना, तो अब आप वो देख लीजिए फेल हुआ है तो मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा क्या? मतलब मान लीजिए अभी तो पैसा था बट कटा नहीं, अब फेल्ड हुआ है तो एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा, ये हम पूछ रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ओवर डे यूज, मान लीजिए एक दिन हो गया, मतलब एक दिन हो गया, ₹1700 के लिए मैं आपको पूरा डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ कि 2 दिन हुआ है, 2 दिन में आपको कितना चार्जेस दिए बताओ ना, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, करवा दो सर, अभी भी आपके पास टाइम है, पेमेंट क्लियर करा के हटा दो। मतलब कि मतलब कोई ड्यू नहीं है ना? हेलो, आप है ना अननेसेसरी क्वेश्चन कर रहे हो। अननेसेसरी क्या पूछे, मतलब पूछ रहे हैं आप, मुझे एक बात बताओ, एक मिनट बात बताओ जब 1 दिन हुआ है मैं आपके क्या चार्जेस लगाऊ, आप मुझे बताओ क्या चार्जेस लगाऊ? अरे मतलब चार्जेस नहीं लगा है आपको, आप जाके पेमेंट क्लियर करा दो बस, मतलब इसमें अननेसेसरी मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं क्वेश्चन आप एक ही चीज बार बार पूछ रहे हो, मैं आपको बोल रही हूं, आपको समझ नहीं आ रहा तो वही ना हम बात पूछ रहे हैं, तो आप समझा नहीं पा रहे थे कि अगर 1 दिन फेल हुआ मतलब कि उसका मतलब और सब कोई फाइनेंस है, मतलब हम समझते नहीं है और सब फाइनेंस है, तो अगर 1 दिन भी बाउंस हो जाता है तो लग जाता है उस पर चार्ज ओवर डे, तो हम वही पूछ रहे थे तो आप मतलब कि गुस्सा हो गई। आपने ये कहा कि कोई चार्ज तो नहीं लगा, मैंने कहा नहीं सर 1 दिन के लिए कोई चार्ज नहीं, आपने ये कहा कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज तो नहीं लगा है, फिर बोलो कोई चार्ज तो नहीं लगा है, आपने ये बोला है, आपने वो पूछा, ठीक है सर ये कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज पेमेंट क्लियर करा दीजिए। आप लोग ऐसे बात करते हैं कस्टमर फाइनेंस से, फाइनेंस
हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मैं गैस से गैस की बात कर रही हूँ सर। आपका पेमेंट जो आ रहा है सर, क्यों नहीं करा रहा है, क्या इशू हुआ सर? अभी ये इसलिए पैसा नहीं है। नीलू देवी, क्या सर? पैसा नहीं है इसके वजह से। पैसा नहीं है तो सर पूरा नहीं करा पा रहा है, पार्ट पेमेंट करा दीजिए सर, जिससे आपका खराब हो। थोड़ा बात करिए, बात कट रहा है। बात सही से नहीं आ रहा है आपका, कट रहा है सर। अब तो आ रही है आवाज, अब आपकी सर आवाज। हाँ, अभी सही है। बोलिए सर, आपका निगलो से जारी हो रहा है सर, आपको बताना पड़ेगा क्या दिक्कत है सर। सर आपको और भी दिक्कत होगी क्या? नहीं हो पा रहा सर, ये तो पता है सर, पूरा नहीं कर पा रहा है सर। थोड़ा बहुत कर दीजिए सर, 1000 रुपए कर दीजिए, ज्यादा नहीं है सर। इसलिए आपका निगलो से जोड़ लो हो जाए सर। 1700 कुछ रुपए सिखाया, पैसे नहीं है तो कर देते थोड़ा दिन तक। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, थोड़ा सब्सक्राइबर से बात विचार यहाँ पर हो जाए इंस्टाग्राम पर। तो पूरा कंप्लीट यहाँ पर वीडियो देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बात विचार हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम चलाते हैं यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग। जो आप लोग भेजते हैं वही मतलब जीमेल पर भेजते हैं, तो वही डाउनलोड करके मतलब कि हम सुना रहे हैं। ये कोई हमारा नहीं है, ये आप ही लोग का है। आप लोग भेजते हैं जीमेल पर तो डाउनलोड करके सुनाते हैं और टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, या नहीं भी आजकल डल रहा है, चाहे व्हाट्सएप पर नहीं डल रहा है, थोड़ा सा काम इधर उधर है तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब ये लग रहा है। तो चलिए वीडियो ही देख लीजिए, पूरा आधा घंटा का वीडियो देख लीजिए यहाँ पर, रिकॉर्डिंग जो भी आप लोग का 100% मतलब कि सुनने के लिए लाइव प्रूफ यहाँ पर मिल जाएगा। भाई जो आप लोग भेजे हैं, किधर लोग को सवाल हुए कि मतलब कि आप रिकॉर्डिंग नहीं डाले। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या ये एक तो यूट्यूबर है, ये डाला है तो आपको मैं सेंड किया हूँ। अच्छा, सभी डिफॉल्टर पर अरेस्ट वारंट जारी होने लगा, एनबीएफसी लोन रिपेमेंट नहीं किया तो पर्सनल लोन, यही। जी जी, तो क्या बोल रहे हैं वीडियो में? वही कह रहे हैं, अगर नहीं दिया गया तो अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। ना ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ गए। अच्छा अच्छा हाँ, अभी तो फोन आना तो मेरे पास बंद हो गया है। तो फोन नहीं कर रहे हैं, पर एक क्रेडिट मंत्री से मेरे पास फोन आया था कल। वो बोला कि आप 1800 कुछ रुपया पे कर दीजिए तो उसमें जो आपका सिविल जो डाउन हो गया है वो हम लोग सही कर देंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा कहाँ से होता है, उसी का अंडर में सिविल स्कोर है, वो झूठ बोल रहा है, समझ गए। अच्छा हाँ, वो झूठ बोल रहा है, वही बोला क्रेडिट मंत्री से बात करना है, ऐसा बोला। अच्छा, तो बोल दीजिए हम प्रधान मतलब कि प्रधानमंत्री है। ये कौन सा एप्लीकेशन है, ये कौन सा एप्लीकेशन है? वही तो कॉल आया था मेरे पास। अच्छा, ना ना फ्रॉड खूब करता है ना सब। देखिए क्या करता है ना सब एनबीएफसी, पैसा यदि नहीं चुकाइएगा तो आपका जो भी डाटा है सब कॉन्टेक्ट लिस्ट नंबर वंबर रेफरेंस नंबर वो भेज देता है कोई और पार्टी के पास, समझ गए, थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी में यही फ्रॉड वाला है सब, समझ गए ना। अच्छा, यही बैठ कर ये मंत्री वो मंत्री ये एप्लीकेशन करता रहेगा सब। हाँ वही बोला 1800 रुपया पे कर दीजिए, आपका जो स्कोर है वो आप लोग सही कर। ठीक है ठीक है, हमको नहीं सही करवाना है, हम ऑटोमेटिक हो जाएगा तो किस लिए हम पैसा देते तुमको। तीन तीन महीने पे जब अप टू डेट होता है तो तुमको फोकट में क्यों पैसा दो, 1800 का कुछ खा नहीं लेंगे इससे अच्छा। वही तो, ये आपका कब अपडेट होता है भैया? तीन तीन महीने पे मतलब कि बढ़ता है सिविल स्कोर। अच्छा हाँ, तीन तीन महीने पे बढ़ता है सबका, अब वो अर्निंग के हिसाब से बढ़ता है, पैसा के हिसाब से। अच्छा, पर उसमें तो जो भैया मेरे सिविल में जैसे 4-5 स्कोर का क्या हुआ, ये कैसे हटेगा? ये नहीं हटेगा, ये जिंदगी भर दिखाएगा, समझ गए। अच्छा, पैसा दे भी, देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए कोई भी एनबीएफसी या चाहे किसी से भी लोन लिए हाँ, तो सिविल में चढ़ जाता है, समझ गए। अच्छा, उसका शो करता है, अब लेट भी करेंगे तो सिविल में दिखाएगा कि ये बंदा कितना लेट किया था, दे भी दीजिएगा तो दिखाएगा कहाँ लोन दे दिया, पेड कर दिया, इतना इतना बाकी है, इतना का लोन है, सारा कुछ शो करता है, जिंदगी भर शो करता रहेगा ना। हाँ, टाइम पर रिपेमेंट करते रहेंगे तो वही सिविल पर देखेगा कि पहले इसका लोन चल रहा था कि नहीं, चल रहा था तो भाई ठीक से दे रहा था कि नहीं, तो ठीक से दे रहा था तो आपको लोन दे देगा सब 100% आंख मूंद कर दे देगा, क्योंकि भाई टाइम पर पैसा दे दिया। अच्छा
मेरा कहना भैया ये है कि जैसे अभी मैं पेमेंट कर देता हूँ तो अब तो मेरा लोन तो मिलना मुश्किल ही है। हाँ नहीं मिलेगा लोन, लेट हो गया ना, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, ना। इसका कोई और तरीका? अब इसका कोई तरीका नहीं है, समझ गया, यही बनाया हुआ है, तो अब इसका यही तरीका है, ये हम लोग का हाथ में थोड़ा ना कि हट जाएगा। सिविल से वहाँ पर सिविल से अपडेट होता है। हाँ मैंने आज पैन कार्ड के उधर से समस्या आप फंस गए लेके गलती कर आप समझ में आ रहे हैं से ले अब किसको, अब बताइए अब किसको पता है, आप ही बताइए वही बात क्या क्या एप्लीकेशन है क्या नहीं है, किसको इस पे क्या पता है यार, यही बात है। हमने सोचा ले लेंगे पर ऐसी प्रॉब्लम है, मैं आ गए क्या देखिए अभी शर्मिंदा बिल्कुल दिखाएगा ही दिखाएगा, सब सिविल का तो खेल है, समझ गया है, सब सिविल का खेल है, जरूर दिखाएगा 100% दिखाएगा। तो ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है, समझ गए, लोग मतलब सोचते हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा, लीगल एक्शन कुछ होता होता है नहीं, अभी लीगल एक्शन हम पर होना रहता, अब देखिए साल लगने वाला है, अब देखिए अब कितना दिन बचा है, 29 तारीख हो गया ना, तो कल 30 तारीख हो जाएगा, अब 30 तारीख अब क्या जोड़िएगा, 12 महीना हो तो गया, अब एक साल कब साल लग गया, तो अब क्या कीजिएगा आप ही बताइए, जनवरी में लिए थे तो साल लग नहीं गया, 12 महीना हो गया, तब लीगल एक्शन लिया रहता तो हम जेल नहीं जाते, चाहे हमको पैसा नहीं देना पड़ता, सबको देना पड़ता, एक एक से बात होती है, डेढ़ डेढ़ साल से लोन लिया है, दो दो साल से लॉकडाउन में कोई लेकर बैठा है एम पॉकेट से, कोई लीगल एक्शन हुआ नहीं तो उन पर पहले ना होता लीगल एक्शन, सिविल खराब कर दिया, सिविल तो खराब करेगा ही करेगा, सिविल का तो ये बस सोचिए कि सिविल आपका बचेगा, वो तो खराब हो जाएगा, दो दो सौ 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 भी गिरा देता है, समझ गए, तीन तीन सब ऐसे ऐसे गिरा देता है, सिविल स्कोर बचने वाला नहीं है किसी का भी एनबीएफसी एप्लीकेशन पे, ये लोग का तो कई पैसा इन लोगों का डूब गया, किसका, कई जो एनबीएफसी कंपनी जो लोन देती है 4,000-5,000, हाँ हाँ तो बहुत पैसा डूब गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमसे कह रहा देनी वाला जैसा देना जानते हैं वैसा लेना भी जानते हैं, अच्छा जाओ, ले लो, हाँ ले लो, बात क्या कर रहे हो, ले लो आकर, ये तरीका नहीं हुआ ये तो ना, उसे देखिए बोल देखिए जिस दे बोलिए ना कि जिसके पास कुछ करने का क्षमता नहीं रहता है वो ऐसे भोगते रहते हैं, समझ गए, अब देखिए आपको उदाहरण दे देते हैं, अब कौन ज्यादा मतलब कि बोलता रहता है, अब जिसके पास क्षमता नहीं है जिसके पास औकात नहीं है वही हर हमेशा बोलते रहेगा मार बोलेगा, समझ गए, अब जो अब देखिए जिसके पास देखिए अब जिसके पास पैसा है पावर है वो एकदम गंभीर रहेगा, चुपचाप अपना साइड में खड़ा रहेगा, वो देख कर मुस्कुराता रहेगा समझ गए ना, हाँ क्योंकि उसको तो पता है कि भाई सब चीज है, उड़ेगा नहीं, अब जिसके पास नहीं है वो ही खूब उड़ेगा दिखाएगा जनाएगा गाड़ी घोड़ा दिखाएगा, अभी तक कंपनी को चुटिया बनाते रहे, अब मेरे पास फाइल आई अब मुझे बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल कितना, अब देखिए एक पहले आपसे बात हो रही थी वो उनका टोटल 7,00,000 का लोन है, समझ गए, हाँ कल ही वीडियो डलेगा, कल ही डलेगा, ये बड़ा अमाउंट वाला है तो कल ही वीडियो डलेगा, 7,00,000 का पेटीएम पोस्टपेड से 4,00,000 समझ गए, हाँ मोबीक्विक से 1,00,000 का करीब में 1.5 लाख करीब लिए हैं, बाकी 10,000 20,000 60,000 ऐसे ऐसे दिया है
मनी व्यू से भी है, क्रेडिट भी से भी है। कहाँ के हैं ये रहने वाले? ये यूपी का है, सूरत में अभी काम करते हैं, समझ गए हैं। एक ही बार में इनका मतलब हमको कैसे दे दिया, पेटीएम पोस्टपेड बोले कि एक ही बार में हमको दे दिया। हम बोले कि पहले से भी देते होंगे, चुकाते होंगे ना, एक ही बार में डाले, एक ही बार में 4 लाख आ गया पैसा। एक साल से हम इसी का लोन भरने के चक्कर में, मतलब कि एक भी रुपया घर पर भेजे नहीं है पैसा लोन। अब कोई 7 लाख का लोन लिया है तो क्या, कितना कमाएगा, कितना घर पर देगा, खाएगा पिएगा? तो पेटीएम पोस्टपेड वाला कह रहा है कि नहीं दीजिएगा तो हमके घर, आपके घर से जाएंगे नहीं, वहीं पर बैठे रहेंगे अपना चारपाई डालकर। हाँ, 4 लाख रहा है? 4 लाख कम होता है? तो मनी भी फोन ना, मोबी क्विक वाली फोन कर रही है, समझ गए लड़की। सब कॉन्टेक्ट लिस्ट पर डायरेक्ट गाली दे रही है, जैसे कॉल लगा रहा है ना वैसे गाली देना स्टार्ट कर दे रही है। बोल रहे हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट तो हैक कर लिया है, उसी पर गाली गलौज दे रही है और बोल रही है, रिकॉर्डिंग कर रहे, बोल रही है कि। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तो मनी भी वाला मतलब कि मोबी क्विक वाला मतलब कि ये बोल रही है कि मतलब कि रिकॉर्डिंग करना है कर लो, उसके बाद जहाँ सुनाना है वो सुना दो, समझ गए। तो वही कॉल मैसेज कर रही है और गाली गलौज मतलब कि कर रही है। तो यही होता है, यदि देखिए कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस कर लेता है सब, कोई भी लोन हो, पेटीएम पोस्टपेड हो, वो भी तो एक्सेस किया होगा, लेकिन वो कॉल नहीं कर रहा, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं कर रहा, बस यही है कि मतलब कि ये पर कॉल कर रहा है। चलिए रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। सर आपका नहीं लो तो सर होगा, पर मुझसे क्या करोगे सर, आपको कॉल करना पड़ेगा, तभी तो दिक्कत होगी सर। क्या क्या नहीं लो तो सेंड हो रहा है सर, आपको कॉल करना पड़ा हाई कॉस्ट दिल्ली सर, तभी तो दिक्कत होगी, इसलिए कर दीजिए। मैं 5 मिनट कह रही हूँ करते हो सर। आपका आवाज कट रहा है, हमको ये नहीं समझ में आया। हाँ बोलिए, अब से बोलिए थोड़ा आवाज। आपका आवाज कट रहा है, आप बोल रही हाई कोर्ट मतलब समझे नहीं। हेलो सर बोलिए। हाँ हाँ अभी आपने बोला कि हाई, हाँ आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आपकी आ रही है अभी, ठीक है। नीलू जी आप हेलो हेलो तो हेलो 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 नीलू दुबे से बात हो रहा है क्या? बोलिए। किस्त का पेमेंट सर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? पैसा प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम है सर तो ये कहने से कंपनी मान जाएगी क्या? और ये कहने से आपका सिविल स्कोर सुधर जाएगा या फिर पेनाल्टी नहीं लगेगा? सर पैसा प्रॉब्लम है इसके वजह से सर। तो सर पैसा प्रॉब्लम एक दिन होता है ना, 2 दिन होता है, 10 दिन होता है, 30 दिन होता है, कम से कम ये 60 दिन प्लस का केस है, तो 60 दिन तक आपको दिक्कत है? दिक्कत आ रही तो ही ना, नहीं तो पैसा थोड़े होता है। ये केयर ऑफ शिव कुमार बोरना रोड उद्वंत नगर में सर, आज लड़का जाएगा सर घर पे पेमेंट के लिए, आप अरेंज कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम है नहीं, आज 24-25 हो गया है, हम लोग को 6 दिन का समय है और हम लोग का ये पिक डेज है, 7 दिन में कम से कम कंपनी 5 लाख मांगती है। कंपनी मांग 5 लाख थोड़े मांगे, तो आपके जैसे बहुत सारे ऐसे इंसान है ना सर जो बोलते हैं कि नहीं है अभी नहीं है, कोई भी ऐसा थोड़े होता है कि कहने पे कर देता है, हाँ ठीक है सर कर देते हैं, ऐसा नहीं है ना। इससे दिक्कत हमको नहीं है, इससे ज्यादा दिक्कत आप ही को है, आपका सिविल इम्पैक्ट हमेशा एकदम खराब रहेगा। खराब तो हो गया, खराब होगा सर। तो बोलिए कि पेमेंट नहीं करेंगे, हम राइट ऑफ मार देते हैं। इसका मतलब? राइट ऑफ का मतलब पेनाल्टी सर 3 टाइम देना होगा आपको, बाकी कंपनी समझ लेगी आपसे। पेनाल्टी 3 टाइम? हाँ पेनाल्टी 3 गुना, मतलब 10,859 है ना, उसका 3 गुना कर लीजिए आप, और उसके बाद नोटिस वगैरह भी जा सकता है, और नहीं तो आपको एक और उपाय है, ठीक है। 10,000 का आपका लोन है, 859 रुपया हम मैनेज करवा देंगे, आपको 10,000 टोटल देना है, उसको आप 2 पार्ट में क्लियर कर दीजिए, 5,000 अभी फिलहाल और 5,000 एकदम लास्ट एकदम 30 तारीख को तो, या फिर अगले महीने में 5 या 10 के बीच में 10,000 आप करवा दीजिए, आपको मेंशन करवा देंगे। हेलो हेलो जी नमस्कार सर। हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं स्टेशन के बिहार से गायत्री बात कर रही हूँ सर, आपकी कल ट्रेनें क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है सर, आपका पेमेंट जो आ रहा है स्टेशन का सर क्यों नहीं करा रहा है, क्या इशू हुआ सर?
हेलो हेलो सर, सर प्लीज बात सुन ले सर, लगता है लोन पे करते सर, जब बोले कर देंगे सर, कब कर देगा सर? सर 7 बज गया, आपने सुबह से बोले कर देगी कर देगा, मुझे फेस कर रहे हैं 7 बज गया, ये कौन सा टाइम है तुम्हारा ऑफिस का? बैठो ठीक है, बैठो आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, मुझे बता रहे पेमेंट कर दो आप, बात खत्म। वो इसलिए नहीं कर रही है ना, क्या बताओ किसने नहीं कर रही? कि हमने पहले भी बताया है कि 3,000 का लोन देके और रुपए देते हो 1,000 रुपए, 3,000 बोल के 1,000 रुपए लोन देते हो। दूसरी दफा नहीं होगा आपके साथ, लेना ही नहीं है ना, तो नहीं लेना, फाइल पूरी क्लोज करवा दू, आपकी खत्म हो जाए, आप भी पे करके फाइल को, मैं भी पे करके फाइल को, वरना रोज की रोज कॉल आती रहेगी। और ये पता नहीं कौन सा विदेशी नंबरों से तो कॉल करते हैं, 0444 से कहां पाकिस्तान नंबर है, हम अपने नंबर थोड़ी देर हम बोलते से बात करें, कोई अपना नंबर थोड़ी देर नहीं, तो ये पाकिस्तान का नंबर है ना, ये पाकिस्तान का नंबर नहीं है सर, हम बॉम्बे से बात करें, हमारी कंपनी जब हम कॉल करते हैं तो लोन के लिए हमारे कंपनी। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना, कॉल क्यों काट देते हैं? जब मैंने कहा ना भौंकना चालू रखो। कुत्ते कुत्ते हैं भौंकेंगे, मुझे ये बताया कुत्ते हैं, मान गए कुत्ते हो? हाँ कौन कुत्ता फिर? नहीं तो मान गए ना कि तुम कुत्ते हो, आप कुत्ते हो ना, आपने बोला ना भौंको भौंकते, तो कुत्ते हैं आप भौंक रहे हैं ना, तो भौंकना चालू रखो। मैं क्यों भौंक रहा हूँ? मैं तो एक भी बार फोन नहीं कर रहा हूँ, तू ही फोन बार बार कर रहा है। तो लोन लिया ना, लोन वापस करो, इसलिए कॉल कर रहा हूँ ना। नहीं तो लोन वापस इस लैंग्वेज से होता है जो लैंग्वेज पहले चालू की थी। आपकी जो लैंग्वेज है वो मुझे अच्छे तरीके से पता है, झूठे मक्कार इंसान हो आप, किशन के बाप बेटा दोनों, फ्रॉड करते हो कंपनियों के साथ। नहीं तो तुम फ्रॉड नहीं करते हो, तुम बड़ा ईमानदारी करते हो। नहीं जो तुम फ्रॉड किया तुम बाप बेटा ने मिलके। नहीं तो तुम फ्रॉड करते हो ना, तुम कौन सा फ्रॉड नहीं करते हो? नहीं आप फ्रॉड करते हो ना, आप तो आप फ्रॉड ही हो ना, पेमेंट लेके खा लिया वापस नहीं करते बाप बेटा दोनों। तो वो तो खाने का काम ही है ना, जब लोगों के साथ तुम फ्रॉड कर सकता है तो मैं तेरे साथ क्यों नहीं कर सकता हूँ? वही ना फ्रॉडी, आपने आपको फ्रॉडी तो माना ना, तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि मैं फ्रॉड हूँ। फ्रॉडी हो ना, एक नंबर के फ्रॉडी हो, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई फ्रॉड नहीं होगा, जिसका लिया उसका दिया नहीं, तेरा क्या मार खाएंगे? पैसा लिया ना वो वापस करो। मैं बोल तो रहा हूँ जिसका लिया उसका दिया नहीं, तो तेरा क्या मार के खाएंगे? दे ना पैसे दे ना, दिल्ली है बेकारी, भीख मांग, जब जिसका दिया है उसका दिया ही नहीं तो तेरा काम मार के खाएंगे? तू ये बता, तू बेकारी है ना, तू वो है ना फ्रॉडी है, तो मंदिर के बाहर बैठ के मांगते है सर। तो मंदिर के बाहर ही तो बैठा हूँ, वही ना घंटा बजा, मुझे भी बता कौन से मंदिर के बाहर बैठा था, भी आके मुझे देख के देना हो रहा है। आ जा आ जा आ जाए, अपनी बीवी देगा तुम अगर अपनी बहन दे दे तो मैं अपनी बीवी भी दे दूंगा, बोल। तेरी तरफ बगैरत तो नहीं होना, मैं तो नहीं दे रहा, तू अपनी देगा ये बता। नहीं तो तुम अपनी बहन दे देना। नहीं ना मैं तेरी तरफ बगैरत नहीं होना, तू बगैरत है ना, तूने देख हामी तो भर दी है ना, तुम बगैर बगैरत तो है ही है तू, की इंडिया में रह के विदेशी कंपनियों की गुलामी कर रहा है, सारे तलवे चाट रहा है, उनकी बगैरत की बात मुझसे कर रहा है। ये कौन सी इंडिया की कंपनी है साले, अपने देश से गद्दारी कर रहा है, बगैरत की बात मुझसे कर रहा है। हाँ भाई वही बोल रहे थे,
अप्लाई ना करो ना फिर भी आ जाते कौन को सही। हाँ वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए, 7 दिन वाली जो है ना वो फ्रॉड एप्लीकेशन है। तो क्या कर सकते हैं अभी? वो कॉल मैसेज आता है तो उसको इग्नोर कीजिए और कुछ नहीं आपको करना है, स्टोरी लगा दीजिए मोबाइल हैक हो गया और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना? आवाज नहीं आ रही है। बचना क्या है इसमें, इसमें बचना क्या है? कॉल मैसेज आता है तो इसको इग्नोर कीजिए। हाँ स्टोरी लगा दीजिए मोबाइल हैक हो गया है। कितने दिन तक होता ये सब कर? एक सप्ताह तक। एक हफ्ते तक? हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है। दोस्तों यदि फ्रॉड एप्लीकेशन से आपके अकाउंट में मान लीजिए पैसा आ गया है, गलती से आ गया है, चाहे आप अप्लाई किए हैं चाहे जो भी कुछ हो, तो कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए। कॉल मैसेज करता है वो लगातार कॉल मैसेज करता ही रहता है, तो आप लोगों को कॉल मैसेज को इग्नोर करना है, वो भी एक सप्ताह। एक सप्ताह तक आप कॉल मैसेज को इग्नोर कर दीजिएगा, उसके बाद कॉल मैसेज आना सारा कुछ बंद हो जाएगा। तो हमारा कोई भी वीडियो देखिएगा तो सब वीडियो में यही बोलते हैं कि कॉल मैसेज आता है उसको इग्नोर आप लोग कीजिए। तो सबसे पहले पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी वीडियो हम डालते हैं, आधा घंटा हो चाहे एक घंटा हो, कोई भी कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज आप सबको बताना चाहता हूँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल है इसको भी आप लोग ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप ही का आवाज हम अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी इसमें रोल नहीं रहता, बस आप लोग डेली कॉल रिकॉर्डिंग सारा कुछ बात होता है इंस्टाग्राम से, तो आप ही लोग का आवाज हम उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जो NBFC एप्लीकेशन आपके साथ करता है, एम पॉकेट करता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस करता है आपके साथ, मतलब कि क्या करता है क्या नहीं करता है, जो आप लोग मतलब कि वीडियो में जो लोग आप लोग बोलते हैं कॉल पर जो आप लोग बोलते हैं वही हम अपने वीडियो में दिखाने का काम करते हैं। तो जो भी देख रहा है भाई सेम यही है, कोई भी हमारा वीडियो देखते हैं, आधा घंटा का वीडियो या एक घंटा का वीडियो यहाँ पर होता है तो सारा कुछ यही सेम रहता है। तो जैसे देख सकते हैं ब्रांच वाले घर आते हैं क्या एजेंसी के, देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सवाल यहाँ पर किया गया है इससे क्या होगा, जैसे कि देख सकते हैं कलेक्शन टीम ये सब सारा कुछ जो वो सब नहीं भेजता है, एक प्रूफ बैलेंस का मतलब कि इन पर भेजा गया है कि आपके घर पर मतलब कि आएंगे उसके बाद 100% आपसे पैसा लेकर मतलब कि जाएंगे। तो देखिए ये डिपेंड करता है आप लोग पर, ये डिपेंड करता है कस्टमर पर, कस्टमर मतलब कि डरेंगे या नहीं डरेंगे, समझ गया ना? तो आप डरिएगा तो मतलब कि आप लोगों को मतलब कि ये कर देगा, समझ गए? यदि आप डर जाइएगा तो आपके घर पर 100% आ जाएगा वो। देखिए कोई भी रिकवरी यदि करता है तो आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए आप ही रिकवरी एजेंट है तो आप ही का काम है रिकवर करना, इतना पैसा निकालना और उसके बाद कमीशन आपको मिलेगा, तो आप बताइए क्या कीजिएगा? आप ही से यही काम कीजिएगा, वो कोई दूसरा थोड़ा ना है व्यक्ति, वो कोई दूसरा व्यक्ति है कि मत बात नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन रहा, हम जैसे आप जैसे लोग है जॉब पर है सब, अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा है सब, तो रिकवर करने के लिए कमीशन मिल रहा है, बस आपके घर पर आ रहा है सब, तो वो भी देखा जाता है कि कौन कस्टमर डर रहे हैं, डर कर बात कर रहे हैं तो उनके घर पर 100% आ जाता है सब। यदि नहीं डरिएगा तो घर पर नहीं जाएगा सब, क्यों जाएगा भाई? वहां पर रिकवरी का कोई भी काम होता है उसमें मतलब कि जान जोखिम भी होता है, समझ गए? उसमें डर भी रहता है कि मतलब कि क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, सब जगह रिकवर नहीं ना हो सकता है, तो उसी जगह जाता है कि मतलब उसको लगे कि हाँ मतलब कि हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है और मतलब कि जाकर हम आ जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, चाहे ना भी मिले लेकिन हम लोग सेफ है, तो वहां पर जाता है। बाकी तो सबको सब पता है। अब आप ही बताइए कि जहां पर कस्टमर नहीं डरेगा, मान लीजिए कस्टमर आप ही रिकवर करने का काम कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट आप ही है, मान लीजिए फोन किसी पर लगाए कस्टमर नहीं डर रहा है, आप ही को डरा रहा है, लग रहा है आपको मतलब कि हमसे ज्यादा ताकतवर है, तो आप जाइएगा उसके घर पर? नहीं जाइएगा आप, वो डर जाएगा तब जाइएगा घर पर, तो सेम यही होता है रिकवरी एजेंट के काम, समझ गए? और कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रॉड एप्लीकेशन दिन में इतना 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 फार मतलब कि कॉल मतलब कि कर रहा है, तो कॉल में से करता है तो भाई आप लोग इग्नोर कीजिए, समझ गए? तो यहाँ पर एक सिंपल शॉपिंग पे लेटर, ये NBFC है, समझ गए? ये NBFC है, इसका नहीं लोन चुकाइएगा, लोन यदि NBFC एप्लीकेशन का नहीं चुकाइएगा, मोबीक्विक वाले घर आ रहे हैं, NBFC एप्लीकेशन का यदि लोन नहीं चुकाइएगा तो क्या होगा, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा,
यदि एक भी एप्लीकेशन से यदि आपका लोन है, आपको हम बता देना चाहता हूं, यदि एक भी एप्लीकेशन से यदि आप लोगों का लोन है वो पैसा नहीं चुकाइएगा, नहीं दीजिएगा, तो देखिए लेट भी हो जाएगा ना। मान लीजिए लेट हो गया 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना लेट हो गया, बाद में पैसा चुका रहे हैं तब पर भी आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ भाई बोलिए। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बताइए। जी सर। एक मिनट सर, समझ गए, तब पर भी आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ 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 बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जी कह रहे सर, हम लोन लिए थे, मल्टीपल लोन लिए थे, मोबीक्विक, नावी, मनी ग्लो, पीएमआई, पेटीएम बिजनेस से। अच्छा टोटल कितना एप्लीकेशन से लिए थे सर? 5 एप्लीकेशन से। 5 एप्लीकेशन से जी। और उसमें सर मैं भर भी दिया हूँ, 2.5 लाख के आसपास भर दिया हूँ। अच्छा टोटल टोटल मतलब कि कितना था टोटल पैसा? टोटल मेरे ख्याल से 6-7 लाख के आसपास था। अच्छा 7 लाख था सब, मतलब कि दिया है 1-2 लाख दिया है यही ना? हाँ पेटीएम दिया था, पेटीएम बिजनेस दिया था 4 लाख रुपए, जिसमें से उसका भरने के बाद 3 लाख 5। अच्छा तो पहले से आप कस्टमर होंगे तब ना दिया होगा? नहीं सर कस्टमर नहीं थे, मेरा सिविल स्कोर बढ़िया था इसके लिए दिया। ना ना सिविल स्कोर से नहीं होता। अच्छा दे दिया सिविल। चालू किए तुरंत दे दिए, उतना दिखाया दे लिया। और गैम्बलिंग में थोड़ा फंस गया। और इस समय सर कुछ। हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा इन पर ट्राई करते हैं। आप सबको बता देना चाहता हूँ, इनका करीबन मतलब के 7 लाख का लोन है, समझ गए? तो पेटीएम से इनका लोन है और यहाँ पर जैसे देखे पेटीएम से 4 लाख का मतलब दिया है, मतलब यही मतलब के सब 1-1 लाख पैसा दिया है, यही सबसे ज्यादा दिया है पेटीएम जो है। हाँ बोलिए। कह रहे सर जो मोबीक्विक वाले है, अब इस महीने का पेमेंट नहीं कर पाया, मान लिया मेरे पास 1 रुपया नहीं है, 12,000। ये कितना दिया मोबीक्विक? 1,50,000-1.5 लाख दिया था, जिसमें से 30,000 होल्ड कर दिया था। अच्छा अच्छा। और 1,11,000 मेरे खाते में क्रेडिट हुआ, जिसमें से उसका 20,000 हम भरे, 10,48 रुपए उसके एमआई है। अब भर नहीं पा रहा है, अब दिमाग नहीं है, मेरी वाइफ को पिछले महीने डिलीवरी हुआ है और मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, वो लोग डायरेक्ट गाली दे रहे हैं रिलेशन में फोन करके, अभी इसी महीने का पेमेंट नहीं किया, तो मेरे से भी बोले कि नहीं जब तक नहीं दोगे तब तक मैं गाली दूंगी, कर सकते हो जो भी तुमको केस करना है जो करो, कुछ नहीं मेरा पड़े, कोई मतलब कुछ नहीं होगा मेरा, डायरेक्ट ऐसे बोल रही है। तो उसको भी बोल दीजिए कि तुम्हारा भी 1 भी रुपया हम नहीं देंगे, तुम भी जो करना है वो करो, और तुम भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती हो। हाँ हाँ ठीक है, तो उसे बोल दीजिए जो करना है वो कर सकते हो, हम भी 1 भी रुपया तुमको नहीं देंगे। कॉल रिकॉर्डिंग ये वाला किए हैं? कॉल रिकॉर्डिंग जो मतलब कि बोल रही है कि कुछ भी उखाड़ सकते हैं। जी सर किए हैं। हाँ तो रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएगा तो उसको भी 2-4 हाथ दे दीजिएगा, काम खत्म, उसके बाद रिकॉर्डिंग सुना दीजिएगा, मारने के बाद रिकॉर्डिंग सुनाइएगा। सर कह रहे हैं नावी वाले या मनी व्यू वाले कुछ इनका कमी है, 15,000 रुपए है डीएमआई का, 15,000 है और इसका मनी व्यू का 45,000 रुपए बस बचे, बाकी भरने बाद इतना इतना बचा है, इसका क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए मेन बात ये है ना कि लेट तो हो गया है ना पैसा देने में। जी सर इसमें एक भी पेमेंट किसी को नहीं दे पाया। तो पैसा अब दे भी दीजिएगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, समझ गए? जी सर। तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे वाइफ को पिछले महीने डिलीवरी हुआ, मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा, बहुत कर्जे हो गए, डायरेक्ट बोल रहे हैं दीजिए दीजिए, किसी तरह करके दीजिए, नहीं तो मैं एजेंट भेज रही हूँ, पेटीएम वाले तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जब तक लेंगे नहीं तब तक घर से हम निकलेंगे नहीं, वहीं पे बैठे रहेंगे सुबह से शाम तक। उसका 4 लाख है ना, 4 लाख बहुत पैसा होता है ना। जी जी 3,05,000 उसका बचा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो करे कहाँ से, घर पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट लेके डाल दे उसका, समझ नहीं आ रहा। कहाँ से है आप? हम सर यूपी से हैं लेकिन इस समय सूरत में जॉब कर रहे हैं, 12,000 रुपए। अच्छा तो एड्रेस वही का है, सूरत का ही एड्रेस है? नहीं एड्रेस तो घर का है। तो आप घर पर हैं? नहीं हम सूरत हैं। अच्छा तो मतलब कि घर पर चला जा रहा है? नहीं घर पे जाने के लिए हमसे धमकी दे रहा है। अच्छा नहीं तो बोल रहे हैं कि घर के बाहर बैठा रह रहा है। नहीं बोल रहे घर पे जाके हम बैठेंगे सुबह से। अच्छा अच्छा एड्रेस कहाँ का? एड्रेस आपका यहाँ पर गाँव का है? एड्रेस घर का है सर, घर का है। हाँ तो घर का यूपी का है ना? हेलो एड्रेस पहले कहाँ का डाले हैं, सूरत का डाले हैं कि यूपी का डाले हैं? आवाज आ रही है आपको? जी सर
करा रहे हैं, घर कह रहे हैं, घर का एड्रेस। हाँ हाँ, अच्छा यूपी का एड्रेस है। अच्छा हाँ जी, हम सूरत में रहते, एक साल से कमाए, सब लोन में भरते भरते खत्म हो गया, इच्छा ही नहीं हो पाता। तो चार सात लाख ज्यादा ना है, उसमें लोन खत्म नहीं होगा, ऊपर से खर्चा है, खाना पीना है, तो लोन जरूर खत्म होगा। भरने लोन ही में तो मतलब की जिंदगी निकल जाएगा। अरे मेरा निकल गया, एक साल का कमाई सब उसी में चला गया, अब तो मेरा हिम्मत ही नहीं कर पा रहा एक रुपया देने की, इसलिए मेरे पास कुछ है ही नहीं बचे। अब हमारा बात मानिए, समझ गए जी, 4 लाख भी है ना तो एक भी रुपया नहीं देते ना तो कुछ उखाड़ता नहीं सब, समझ गए, क्योंकि अनसिक्योर लोन है ना जी, अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन में कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती है, कोई भी केस नहीं करेगा, चाह कर भी सोच रहा होगा कि मतलब कि केस कर देंगे इन पर तो कोई सुनवाई नहीं होगा केस का, मतलब अनसिक्योर है, इनका कोई लीगल एक्शन होता नहीं है, समझ गए। लीगल एक्शन होता तो 4,000 के लिए 5,000 के लिए भी मतलब कि आप लीगल नोटिस भिजवा देता आपके घर पर, समझ गए जी सर। हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है, बस कल सर चक्कर आए, तुम्हारे स्टाफ मेरे को समझाए बहुत, बैठा के तुम ऐसा मत करो, उसके टेंशन मत लो, जो कुछ नहीं होता है, कुछ होगा तो देखा जाएगा, क्या उसके लिए जान थोड़ी दोगे। अभी इतना पैसा लेकर भागा है बैंक से, इतना पैसा बैंक से लेकर पैसा आराम से जी रहा है सब, यहाँ पर भी है सब पैसा ले लेकर, मतलब कि यहीं पर है, जानते हैं यदि स्कैम आप करते हैं जी। हाँ मान लीजिए बैंक से स्कैम करते हैं पैसा, मतलब पैसा के मामले में यदि स्कैम कर धोखाधड़ी करते हैं तो ज्यादा दिन का जेल नहीं होता, समझ गए, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 1 साल 2 साल बस, इसके लिए ही कानूनी है। तो यही सब करता है सब, स्कैम कर लेता है बैंक से, समझ गए, सोचता है कि 2 साल के लिए जेल ना जाएंगे, ऐसे बड़े जेल में जाकर बैठ रहे हैं। पैसा तो आ गया ना, हम कह रहे तो सर मेरा क्या होगा, मेरा तो मालिक सब पैसा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समझ गए, उतना भी पैसा नहीं दिया रहते ना, जितना आपका 7 लाख है उतना वो पैसा भी नहीं दिया रहते तो कुछ होता नहीं, समझ गए, क्योंकि अनसिक्योर लोन है। हाँ अभी से जानते हैं, इससे अच्छा क्या है, सिम बंद कर दीजिए, सिम बदलवा लीजिए, समझ गए, अभी इतना हाई अमाउंट है तो कॉल मैसेज कम थोड़ा करेगा आपका बंद करना, पेटीएम का बस जा रहा है, बाकी तो सब 15,000 है 16,000 है और किसी जाते नहीं है। अच्छा बाकी का 15,000-16,000-20,000 है ही ना जी जी। हाँ तो पेटीएम वाला ज्यादा कर रहा होगा, नहीं है, गाली दे रहा है सब डायरेक्ट। हाँ, जी सर। अच्छा तो उससे जब बोल रही थी कि मतलब कि कुछ उखाड़ नहीं सकते तो उसे बोलना चाहिए कि तुम कॉल पर बात कर रही हो ना ऑफिस से। हाँ ना रिकॉर्डिंग नहीं, उसे बोल दीजिए ना कि रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तुम खाली ऑफिस से बाहर आओ ना, तुम अपना एड्रेस बताओ जी। हाँ बोले कि जो गाली दे रहा है जब तक मेरे सामने आई ना तब तक हम 1 रुपया नहीं देंगे, जो भी आपको करना है कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं उससे बोल दीजिए, समझ गए, कॉल रिकॉर्डिंग में बोल दीजिए, देखिए अच्छा 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 पता चल जाएगा कि हम चोर है कहाँ है, समझ गए, उसे बोल दीजिए ना कि तुम आओगी तब हम पैसा देंगे कस्टमर को, मतलब कि कंपनी को हम पैसा देंगे, समझ गए, दूसरे व्यक्ति को हम पैसा देंगे नहीं जी। कोई भी रिकवरी एजेंट मान लीजिए आपके घर पर आता है ना जी, तो पहले कॉल रिकॉर्डिंग उसको सुनाइए कैसे ऐसे बोल रही है, तो पहले बोलिए उसको भेजिए पहले हमारे घर पर, ठीक है जी, हाँ उसको पहले लड़की को भेजिए हमारे घर पर उसके दरवाजे पर। हमारे पापा दुकान खोले हैं साइबर कैफे का, तो उनको दिक्कत नहीं करेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आएगा तो 10 लाठी मारिए ना उसके बाद, देखिए ना, नहीं नहीं कोई भी कंपनी का जैसे जो भी लिए हैं मैंने भी वगैरह तो कुछ दिक्कत नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी जी। हाँ कैसे गाली दे, वही ना वही हम सोच रहे हैं कि हमारे घर पर ऐसे मतलब कि गाली देता है, यदि रिकवरी एजेंट आ जाता तो पहले हम मारते उसके बाद हम बात करते उसे, समझ गए जी जी। पहले हम मारते उसके बाद हम बात करते, हाँ क्या हाल है बताइए, कुछ नहीं, रिकवरी एजेंट है निकालो डंडा 10 डंडा नहीं, बाकी डर सर है जो अदर वाली कंपनियां वो आएंगे सब तो टॉर्चर करेंगे घर पे, इसके लिए थोड़ा मान लिये बाहर है, अब मेरे हाथ में कुछ है ये नहीं कि मैं कर दूं, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि अगले महीने उसको बचाऊं तो दे दूं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एक भी रुपए मत दीजिए मनी पे, ये मोबी क्विक तो 1 भी रुपए मत दीजिए, समझ गए, गाली दे रहा है ना, 1 भी रुपए मत दीजिए, इसका देना ही नहीं है, ये तो सब खुला दे रहा है सर, इसको देना ही नहीं है, इसको देखिए इसको पैसा देना ही नहीं है, मोबी क्विक को पैसा देना ही नहीं है 1 भी रुपया। हाँ उसको बोलिए
उसको बोलिए रिकवरी एजेंट, चाहे कोई भी दूसरा व्यक्ति फोन करते उसको बोलिए कि वो लड़की को जब तक हमारे घर पर नहीं भेजिएगा उसी को भेजिए पैसा लेने के लिए, नहीं भेजिएगा तो हम 1 रुपया नहीं देंगे, भेजिएगा तो देंगे, भेजिए उसको। फाइनेंस वाले सर हैं, कुछ भी फाइनेंस हो बोलिए कि उसको पहले भेजिए, नहीं तो हम 1 भी रुपया देंगे नहीं, किसी का नहीं देंगे, काम खत्म। अब पेटीएम वाला भी फोन कर रहा है ना, उसको भी बोलिए कि ये कौन मतलब की है ये, इसको भेजिए जहां से ढूंढ को भेजो भाई, तब पैसा देंगे, नहीं तो 1 भी रुपया तुमको हम देंगे नहीं। अब बहुत हो गया ड्रामा, नहीं कोई भी गाली दिया है, हाँ वही दिया है, बोल दीजिए ना कि आप ही के तरफ से फोन आया था, हम नहीं जानते हैं, हम जान रहे हैं, हम नाम जान रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं कि पेटीएम है कि क्या है, कॉल आया आप ही का होगा कॉल, समझ गए, सब मिला हुआ है ना। देखिए पेटीएम हो, मोबीक्विक हो, चाहे क्रेडिट भी हो, सब एक ही है ना, एक ही ग्रुप का है सब। अच्छा एक ही ग्रुप का है लोग, सब एक ही ग्रुप का है, समझ गए। अच्छा कह रहे सर मनी भी वगैरह भी गाली देंगे क्या, नवी वगैरह मनी भी सब गाली देंगे, सब गाली देता है सब। अब आपको नहीं दे रहा है सब तो हम क्या करें, अब आपको मोबीक्विक दे रहा है तो किसी और से बात होता है तो मनी भी देता है किसी से होता है तो पेटीएम देता है, सब गाली देता है, ऐसा वैसा कोई बात नहीं है। हाँ चलिए ठीक है सर, वही बहुत ज्यादा टेंशन था, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब घर पर आता है तो आपको हम इलाज बता दिए क्या करना है। घर पे सर बोल लिए, पापा बोल लिए कि बोल कहते थे यही मुंह से बोलिएगा, जो लिया उसे समझिए, मेरे से नहीं मतलब है। हाँ जो लिया उसी से समझो, नहीं तो जाओ अपना जो करना है करो भाई, केस तो होगा नहीं तुम्हारा, बोले जो करना है करिए, जो केस लेकर जो भी करना जाओ, सब हम देख लेंगे, सब देख लेंगे हम केस, जाओ कोई केस उस नहीं होता है, समझ गया ना, ये सब ऐसे भेजता है सब व्हाट्सएप पर जीमेल पर, केस होना रहता है तो कब का केस। देखिए यदि कोई भी कंपनी लीगल एक्शन ले सकती ना तो गाली गलोच करवे नहीं करती है, समझ गए जी सर, जी सर। हाँ अब देखिए कौन ज्यादा मतलब कुतावला होता है, जिसके पास क्षमता नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, समझ गए जी जी, उसी को हाँ करते। देखिए जो मार्केट में सबसे ज्यादा लड़ता है, जो ज्यादा बोलता है, तो समझिए वो खोखला इंसान है, समझ गया ना जी जी। हमेशा ताकतवर इंसान उतना बात विचार कर नहीं पाते हैं, समझ गए, उतना बात विचार कर भी नहीं करते, वो जानते हैं कि हमारे पास सब चीज है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, अपना गंभीर रहते हैं, जिसके पास नहीं है वही उड़ता है सब, समझ गए ना जी जी। सेम यही है, लीगल एक्शन नहीं ले सकता है इसीलिए उड़ रहा है सर जी जी। लीगल एक्शन लेना रहता डायरेक्ट ले लेता, गाली देता आपको, दो गाली क्या दिक्कत है, दो गाली तो गाली देकर क्या करोगे, सब तो गाली लड़की पर बना है वो सब क्या बताया बात है कि नहीं। अब देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, जितना भी गाली देते हैं आदमी हो चाहे औरत हो, एक भी सुने हैं आदमी पर गाली देते हुए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ जेंट्स पर सुने हैं कि जेंट्स पर मतलब गाली, सारा तो गाली लड़की पर बना है जी जी जी। जो गाली है, जो मुंह पर गाली निकलता है लड़की सब या लड़का का, सब तो गाली मतलब कि लड़की पर बना है, तो दो अपने पर दो गाली, हमको क्या दिक्कत है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा सारा चीज मामला जी सर। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता। हाँ कंपनी में होता है, मोबाइल वोबाइल जमा हो जाता है तो फोन उठाइएगा तो कैमरा में देखेगा तो उसके बाद। हाँ जी जी, फिर मेरा भी चला जाएगा नौकरी, तो भी दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल क्या टेंशन इसमें, फोन क्या उठाना है, सिम हटा दीजिए, झंझट खत्म हो जाएगा उधर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। ठीक तो देखे इनका कितना का लोन था यहाँ पर भाई। हाँ इग्नोर करो भाई, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात दिए, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। इनका मोबीक्विक का मतलब कैसे लोन है तो गाली दे रही है, देख सकते हैं ना। लीगल देखिए, लीगल एक्शन लेना हुआ होता तो लीगल एक्शन कब का हो जाता। और जो लोग कमेंट करते हैं यहाँ पर वीडियो में, देखे कमेंट करते हैं भाई पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं देने का औकात है तो लोन लिया के लोगों को क्यों बता रहा है। हम उस लोगों को बता रहे हैं कि जिनका हालत खराब है, जो जॉब पर थे उनका जॉब चला गया है, उनके लिए है। अब जो जिनके पास पैसा है वो पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। तो हर एक वीडियो में एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहता है, समझ गए आप। तो इसको गलत वे, इसको मतलब कि गलत तरीके से आप लोग मत पेश कीजिए कि मतलब कि
अब सबको बता दिया कि मतलब कि पैसा दे नहीं रहे, तो ऐसा कब कहे कि पैसा नहीं दे रहा, पैसा है तो जरूर दीजिए, समझ गए, पैसा है तो आप पैसा दीजिए। अब ये नहीं बोले कि भाई किसी को पैसा देना ही नहीं है, बस ये हम बताते हैं वीडियो में कि नहीं दीजिएगा पैसा तो क्या आपके साथ हो सकता है, क्या लीगल एक्शन हो सकता है, क्या जेल हो सकता है, क्या आपके घर पर पुलिस आ सकते हैं, रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है, यही हम बताते हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर जी आ रही। बोलिए बोलिए। अरे सर ये कह रहे थे हमारा क्रेडिट भी पॉकेट ली और ये सब पे लोन था और अभी जैसे कि अभी तो ड्यू डेट में ही है, मतलब अभी ओवर नहीं हुआ है, पॉकेट ली पे है और पॉकेट पे है और इस पे क्या है अपना ट्रू बैलेंस है, मनी ली हुआ है। कितना का लोन है, टोटल कितना पैसा हो गया है? सबका टोटल मिला के सर जी 35 से 40 की होगा। अच्छा हाँ, तो ये है कि कुछ जैसे फोन का ये जो एक्सेस ले लेते हैं लोग गैलरी वगैरह का। ना ना गैलरी नहीं लेता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट लेता है। कॉन्टेक्ट लिस्ट लेता है। हाँ अच्छा ये बतिया जैसे कि ये मतलब कुछ प्राइवेट चीजें भी की गैलरी में? ना ना वो सब नहीं ले जाता, गैलरी नहीं जाता है, बस कॉन्टेक्ट लिस्ट और कुछ नहीं मोबाइल का। ना 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 खाली है कॉन्टेक्ट लिस्ट वालेगा, बस 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 सही लेगा। इका डिलीट करके दूसरे फोन में डाउनलोड करने तो कोई दिक्कत है का भैया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने जो हमारा पर्सनल फोन है उसे डिलीट कर दे और दूसरा का फोन जो नया लिए हैं उसमें कर दे डाउनलोड तो कोई दिक्कत है? नहीं एप्लीकेशन मोबाइल में आप रखबे नहीं कीजिए, समझ गए? अच्छा हाँ मोबाइल देखिए, नया मोबाइल में भी मान लीजिए नया मोबाइल लिए, समझ गए, उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट 50 को सेव किए, एप्लीकेशन अच्छा। डाउनलोड कर फिर से मतलब की परमिशन दे दिए तो वो सभी नंबर चला जाएगा उसके पास। अच्छा, हाँ एप्लीकेशन अच्छा। आपको रखबे नहीं करना है मोबाइल में, जो पहले वाला नंबर था वो तो ले लिया होगा, वो ले लिया होगा वो ले लिया है। हाँ और सच्ची ये बताइए जरा कि जैसे अभी ओवर नहीं हुआ है लोन, अभी टाइम पीरियड में ही है तो भर दें कि ना भरे? अभी टाइम पीरियड में है तो देंगे, तो दोबारा आपको लोन मिलेगा। अब एक महीना लेट कर देंगे या पैसा दे भी देंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ ठीक है सर जी, देखते हैं होगा तो दे देंगे नहीं तो। ठीक है ठीक है ठीक, धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक। तो चलिए दोस्तों बाद में चैनल पर हो गया पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, समझ गए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। जब पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि कोई भी मतलब कि अपडेट निकल कर आए तो हमारे चैनल के माध्यम से यदि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो सर्च कर आप देख सकते हैं, समझ गए, यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता भी नहीं है, अब सबके पास भेज देता है, आप ही बताइए 50 सब्सक्राइबर है तो सबके पास नोटिफिकेशन भेज देता है? नहीं भेजता है भाई, भेजता उन्हीं के पास है जो आप लोग ये सब वीडियो देखना पसंद करते हैं, कंटेंट के हिसाब से भेजता है। तो यूट्यूब का हमेशा चेंज होते रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, ये होगा सब्सक्राइबर कब हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, वॉचर कब हो जाएगा तो कभी मोनेटाइजेशन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव हमेशा करता ही रहता है, शांति बैठता नहीं है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए कोई भी आधा घंटा का। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा यहाँ पर जैसे देखे, जो भी था जानकारी लीगल जानकारी आपको देते हैं, ये नहीं कि लीगल कुछ भी बोल दिए भाई हाँ हाँ ये हो जाएगा। चलो भाई ब्रो, फ्लिपकार्ट में ईएमआई का लास्ट डेट सारे महीने के 5वां दिन होता है ना, मैंने पहले पे किया था पर वो कस्टमर केयर कह रहा है कि पेमेंट 5 के बाद हुआ है। मैंने पेमेंट स्टार्ट तो किया था और पेमेंट मेरे हिसाब से हुआ था पर वहाँ पेमेंट 5 के बाद मिला, इसलिए ब्लॉक हुआ, तो इसलिए ब्लॉक हुआ है मेरा अकाउंट। तो या अभी मेरे को ईएमआई सब कुछ मैं पे कर सकता हूँ लेकिन परमानेंटली ब्लॉक हुआ है तो क्या ये मेरा सिबिल स्कोर में भी अफेक्ट करेगा? देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप रिपेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। और बोल रहा है कि लेट हुआ है क्या हुआ है, तो हाँ भाई बोलिए। हाँ हाँ बोलिए।
अरे हम भाई ये बता रहे हैं जो पेटीएम पोस्टपेड का हमने लोन लिया, हाँ, 2 महीने हो गए रीपेमेंट नहीं किया, कॉल बहुत आ रहे थे, कॉल जो आ रहे थे उनको ब्लैक लिस्ट में सब डाल दिया नंबर हमने। ऐसे फोन आया था ना, ना ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, FIR कुछ भी नहीं होता है, ऐसा ऐसा सब फेक है, ये सब फेक है। हाँ नहीं, देखिए अनसिक्योर लोन आप पर कभी भी लीगली जा नहीं सकते, समझ गए? हाँ पेटीएम पोस्टपेड है ना, आपसे पहले एक से बात हो रही थी कि उनका 4 लाख दिया है, समझ गया, पेटीएम पोस्टपेड है 4 लाख। हाँ लाख वो रिपेमेंट 3 लाख दिए, 1 लाख अभी नहीं दिए हैं। 3 लाख दे दिए, 1 लाख नहीं दिए ना, तो एक ही एप्लीकेशन उसका नहीं ना है, मनी मनी व्यूज है, क्रेडिट भी है, मोबीक्विक से, ये सबसे है, तो सबका धीरे धीरे दिए, तो हम बोले कि नहीं दीजिएगा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन गाली दे रहा है सब, समझ गए डायरेक्ट उस पर। हाँ लड़की कॉल कर कर कॉन्टेक्ट लिस्ट पर गाली दे रही, बोल रही है कि फोन रिकॉर्डिंग करना है कर लो, जा भेजना भेज दो, हम गाली दूंगे, समझ गए। हाँ नहीं तो हम बोले कि भाई अभी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आप भी बोलिए कि रिकवरी एजेंट मान लीजिए घर पर आते हैं, वीडियो देखा था आपने, बताया था रिकॉर्डिंग कर देंगे हम, ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे उन्होंने, उन्हें कर दिया। तो देखिए जो होता है जो आपकी मतलब लिमिट 11,000 है और 2 महीने में ब्याज लग गया है, ब्याज लग गया जो ब्याज जो मैसेज आता है कि आप रीपेमेंट करिएगा, तो वो मैसेज आया है कि 8,500। देखिए आपका लेट हो गया है ना, हाँ पैसा देने में आपका लेट हो गया है, तो पैसा दे कर भी कुछ फायदा नहीं, दोबारा आपको लोन नहीं मिलेगा NBFC से। अच्छा सिविल में देखिए, सिविल में दिखाता है कि आप कितना लोन लिए, किस एप्लीकेशन से लोन लिए और कितना दिन लेट किए पैसा देने में, चाहे ना दिए वो सब दिखाता है, तो उसी हिसाब से वो पैसा देता है सब। लेट एक 2-3 दिन में लेट कर दीजिएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे अच्छा है देवे मत कीजिए। अच्छा हाँ आपने कोई एजेंट एजेंट तो नहीं आया घर पे? एजेंट आने का कोई डर नहीं ना है, कोई डर नहीं एजेंट आने का, समझ गए? RBI का कोई गाइडलाइन है नहीं, पालन नहीं कर रहा है तो घर पर आ रहा है तो पहले उसको मारिए, उसको काम खत्म। ये है कि हमने जो लोन लिया था उसमें हमारे फादर के डॉक्यूमेंट लगे हैं, हमको डर लगता है असल में, और हमारे लगे होते डॉक्यूमेंट तो कोई दिक्कत नहीं होता, फादर के लगे हैं तो दिक्कत तो भाई अभी कल से कोई कॉल कर देगा पुलिस वाला थाने वाला। ना 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 ये सब होता ही नहीं है ना, है लीगली मैटर कुछ भी होता नहीं है, 10-15 हजार में घर से थोड़ी ना उठा ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और क्या 2-3 लाख लिए हो तो घर से उठा भी। ना 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 ऐसा भी ना, ये अनसिक्योर लोन है ना। हाँ, ये फ्रॉड करती है। बिल्कुल अब देख रहे हैं कि बैंक से, अब देखिए बैंक से इतना इतना पैसा लेकर भागा है सब, उस पर कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी कितना यही पर पड़ा होगा सब, समझ गए? फ्यूचर में मेरे पास पैसे होंगे तो कर देंगे, ऐसा नहीं है ना, तो पैसा देने के बाद भी लोन नहीं ना मिलेगा, यहाँ करेंगे सिविल पर शो करता है ना, पैसा दे भी दीजिएगा तो शो करता है कि भाई दे दिया है, समझ गए? सिविल पे तो चढ़ा देगा। हाँ सिविल पे सही हो जाएगी, टाइम लगेगा, सिविल स्कोर 3-3 महीने पर अपडेट होता है सबका। समझ गए ना? वो तो है। चलिए और सब ठीक है ना? और सब बढ़िया, अपने बताइए। चलिए सब ठीक है हमारा भी। आपने भी खूब लूटा। हाँ हाँ चलिए ठीक है तब। चलिए ठीक है बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ये कौन सी इंडिया की कंपनी है, ताने अपने देश से गद्दारी कर रहा है, बगैरत की बात मुझसे कर रहा है।
ये कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो सुन रहे हैं यहाँ पर, ये रिकवरी एजेंट का कॉल रिकॉर्डिंग, समझ गए हैं? वो भी फ्रॉड एप्लीकेशन। कितने पैसे दे देते हैं महीने के? 20,000 दे देते होंगे, मेरे पास आ जाए मैं इतने दे दूंगा, तो ये मेरी गुलामी कर ले। तो अपनी माँ बहन को दोनों को भेज दे, तुम अपनी माँ बहन को दोनों को भेज दे, दोनों को मैं रख लूंगा, ठीक है? लोड़े के बाल जो आप लोग ये सुन रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग, तो ज्यादा वायलेंट यहाँ पर हो जाए इसीलिए थोड़ा बंद करना पड़ गया। तो 7 दिन वाला फ्रॉड एप्लीकेशन का मतलब कि कॉल रिकॉर्डिंग किए हैं और मतलब कि हमारे जीमेल पर मतलब कि भेजे थे, ताकि मतलब कि लोगों को सुनाएं और बताएं कि फ्रॉड एप्लीकेशन कैसे मतलब कि बात करता है कैसे है, तो सबको भाई पता है। अब चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा कम्प्लीट वीडियो देखिएगा, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रॉड एप्लीकेशन से लोन आपका लिए हैं, सोच रहे हैं पैसा देने के लिए, तो आप लोग पैसा नहीं दीजिएगा, समझ गए? फ्रॉड एप्लीकेशन का आप लोग एक भी रुपया आपको देना नहीं है, पैसा दे देते हैं तो और ज़्यादा कॉल मैसेज करेगा और आपको हरासमेंट करने का काम करेगा, इसीलिए एक भी रुपया आपको देना नहीं है, फ्रॉड एप्लीकेशन को पैसा देना ही नहीं है, समझ गए ना? तो चलिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपको अब सुनाते हैं, यहाँ पर पूरा कम्प्लीट वीडियो आप देखिएगा। यहाँ पर तो गाली गलौज हो रही है, लेकिन मैनेज आप लोग कर लीजिएगा, आपको भी ऐसा ही गाली गलौज दे रहा होगा। मैंने तो गिनती की है, तुम बता तेरे कितने हैं? और माधव चौथ तो तुम है जो अपने इंडिया में रह के और दूसरे देश की गुलामी कर रहा है, तो माधव चौथ मैं हुआ या तुम हुआ? इससे तो साफ जाहिर होता है कि माधव चौथ तुम ही है कि जो चीन की गुलामी कर रहा है, इंडिया में रह के चीन की गुलामी कर रहा है, तो ये तो वेंचो जाने कितने बाप को भी पैदा किया होगा, सब तो एक ऐसा भारत में एक पैदा हुआ है आकर के। तेरे तेरे जैसे भारत में पैदा होते हैं ना वो बगैरत होते हैं, सही है ना? भारत में तेरे जैसे पैदा होते हैं ना आज लोन लेके, हमारे जैसे भारत में पैदा होते हैं वो तेरी जैसी कंपनियों की गांड मारने के लिए पैदा होते हैं, तेरे जैसी कंपनियों की गांड मारते रहते हैं, ठीक है? और एक बात बता दूं, तेरे जैसी कंपनियों से आज कम से कम 20 कंपनियों से मैं ले चुका हूं, और तुम 20 मिलके मेरा जो करना है कर ले, उस पे आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा है, पूरा एड्रेस लिखा है मेरे एड्रेस पे, आ जा, ठीक, तुझे पूरा पे कर दूंगा, पूरी कंपनी को लेके आ जा। सॉरी मां, तो अपनी बहन का और अपनी बीवी का रिश्ता देगा, ये बता बेटी का देगा? मैं पूरी कंपनी को नहीं, पूरे उसको लेके आऊंगा, ग्रुप को। तुम अपनी बहन का करवा दे तो मैं तेरे ही यहाँ आ जाऊंगा, तुम अपनी बहन का मुझसे करवा दे। बुला रहा तू है ना, मैं तेरे बुला रहा, मैं तो तुझे दावत नहीं दे रहा, तू मुझे दावत दे रहा, अपनी बीवी अपनी बहन की दावत तो बहन जो तेरे दावत तो माधव जो तेरी कंपनी को दे रहा हूँ, तेरी कंपनी को तो माधव जो चीन का गुलाम है, दोस्ती के माधव जो तू मेरी बात क्या करेगा, बहन जो देश के गुलामों से मिला हुआ है, बहन जो माधव जो मुझसे बात करेगा, बहन जो अपनी औकात देख, पहले औकात क्या है तेरी? मेरे जैसे हजारों से गाली खाता होगा तू, दिन में 50 बार गालियां खाता होगा, बहन जो तेरी माँ ने गाली खाने के लिए पैदा किया है क्या? अरे सुन लिया मैंने, क्या तेरे जैसे गुलामों की बहन जो सुन लिया, तू तो गुलाम है बहन जो, तेरे बाप का पता नहीं होगा कि तेरा बाप कौन है? बाप का पता है तुझे? बाप कौन है? हाँ मुझे पता है, मुझे बाप का अपने पता है, तुझे अपने बाप का पता है? हाँ मेरे बाप का पता है, उस पर आधार कार्ड भी लिखा हुआ है, नहीं तो तू अपना आधार कार्ड मेरे पास कर, अभी कर अपना आधार कार्ड पास कर, अपना आधार कार्ड व्हाट्सएप 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 कर, माधव चौधरी अगर तुम एक बात की औलाद है, अपना आधार कार्ड व्हाट्सएप कर, तेरे बाप को बुला दे। हाँ भाई बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ आपका फ्लिपकार्ट से मैं लोन लिए थे आपका। अच्छा कितना का है आपका? 75,000 आसपास। अच्छा अच्छा, तो कितना दिन हुआ है कम से कम? कम से कम हुआ 10-12 दिन। अच्छा तो 1 दिसंबर का आपको देना है ना? हाँ। तो नहीं दीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर खराब और ब्लॉक हो जाएगा आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर। क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए। चालू रखना। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। पेमेंट नहीं करेगा? हेलो। पेमेंट नहीं दीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, दूसरा कुछ भी नहीं होगा ना? ना ना, और कुछ भी नहीं होगा। कॉल मैसेज तो आता रहेगा, पर कॉल मैसेज आता रहेगा। हाँ हाँ।
ना ना दूसरा उसरा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक। तो चलिए इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, अब यहाँ पर चलिए रिकॉर्डिंग मतलब कि चलाया जाए। हाँ गाली गलौज पूरा चल रही है भाई, आपको भी ऐसा ही बात करना है, समझिए। नहीं तो वो तो तेरे पता होंगे, क्योंकि जाने कितने चीनी तेरे माँ के ऊपर चढ़ के गए होंगे, तब तू एक भारत में पैदा हुआ है, 50 चीनियों को चढ़वा के माँ तेरे सब तेरे जैसा लाल पैदा किया है, किया बेटा तू चीन की गुलामी करना है। माला चोर के बाद दोबारा फोन मत कर देना, और ना ही मैं पेमेंट करने वाला हूँ ना ही करूंगा, तुझे जो करना है वो कर ले। क्या करता हूँ ना तेरे तेरे फैमिली में कॉल करता हूँ ना, फोनों का ये है इस वायरस। भौंक ले मैं फोन रख देता हूँ, तू भौंक ले पहले, ठीक है? भौंकना कुत्तों का काम होता है, वो तो तू भौंक रहा है। भौंकना कुत्ते भौंकना, अभी इसी पे चला गया हूँ, बाहर रख के कुत्ता भाग गया है, कुत्ते को खोल दिया मैंने। आपको भी ऐसा ही बात करना है, समझ गए? कॉल मैसेज कर रहा है, आपको भी ऐसा ही बात करना है, डरना बिल्कुल नहीं है, डरिएगा तो और आपको डराएगा। अरे चाले कुत्ते, बच्चे हेलो हेलो, हाँ वीरेश कुमार बात कर रहे हो सर? हाँ बोलो सर। आपका पेमेंट था, पेमेंट नहीं डाल रहे, क्या दिक्कत आ रहा आपको? कौन सा पेमेंट था यार? हीरो रुपी का सर, हीरो रुपी से जो लोन आपको दिया था वो आप डाल रहे थे। जब हमने एक बार नहीं 50 बार बोल दिया है आपको कि इतना ज्यादा लोन कौन देता है? कितना है? 3,200 रुपए का तो लोन है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, 3,200 रुपए का लोन है, उसमें 1,640 रुपए मुझे प्राप्त हुए हैं, तो इतना ज्यादा कौन देता है? पहले आप 1,650 रुपए डाल देना जो आपके पास क्रेडिट हुआ है। मतलब जो आपके पास क्रेडिट हुआ है वही डाल देना, आपको मैं ऑफर दे रहा हूँ, आपके पास जो क्रेडिट हुआ है वही डाल देना। नहीं तो मतलब लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हो? गलती हो गई ना, अभी आप पेमेंट रिटर्न कर रहे हैं ताकि आपकी फाइल अपडेट हो जाए, आपको दोबारा रिटर्न भी ना करे, कॉल भी ना करे। नहीं तो मैं तो कहता हूँ बार बार तंग करो। अभी मैं लिंक सेंड करता हूँ, पेमेंट डालिए, आप अपनी फाइल अपडेट कराइए। अभी व्यस्त है, ठीक है, जब फ्री होंगे तब देखते हैं। पेमेंट किस टाइम डालोगे? पेमेंट किस टाइम डालोगे ये बताओ। जब मैं बोल रहा हूँ कि अभी प्याज पैन थोड़ा फ्री होंगे तब करेंगे। किस टाइम फ्री होगी यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अब फ्री होने का कोई टाइम थोड़ी ना है। अच्छा तुम फ्री ना हो, मेरे मुझे लगता है तुम्हारी नीयत नहीं है पेपर डालने की ना। सही पकड़े हैं, सही पकड़े ना, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो अब सुनो मेरी दूसरी बात। हाँ सुनाओ। तुमने पेमेंट नहीं डाली ना। हाँ तुम्हारे जो गैलरी की जो पिक्चर है ना, तेरे क्या वो गैलरी वो सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भेज दोगे। तेरा जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना। हाँ तो भेज। तेरी फाइल लाइफ है ना जो 7 8 1 0 3 6 8 4 भेज दो, ठीक है ना? भेज दो, अभी भेज दो। तू तो है बेगैरत नस्ल का ना, सुन तो सही, अभी भेज दे, कर देरी क्यों कर रहा है? ओए बहन के बात सुनना, ओए बहन के लौड़े गाली मत दे, मांदर चोत दोसली के कही के मांदर चोत तेरे जाते 50 मिलते हैं दोसली के मांदर चोत, तू क्या बात करेगा बहन चोत मुझसे बात करा के मांदर चोत बहन चो तेरी माना चौधरी को अपना एड्रेस बता कहते हैं मांदर चोत वही जाता है दोसली का मांदर चोत मांदर चोत दोसली के तेरी तेरी तो मां चोत तेरे जाते दोसली के 50 लोग अपने पाले हैं मांदर चोत बहन चो भेज।
पीछे घूमते तेरे जैसे कुत्ते जाने कितने आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो दो सही थे सभी लोगों की छुट्टी होती है फिर आप क्या दिक्कत आ रहे हेलो हैप्पी होली सर हैप्पी होली सर मीरा रुकी से बात कर रही हूँ आपने लोन लिया था ना पेमेंट भी आया सर क्या दिक्कत आ रहा है मैडम आज तो होली है अभी जी सर लेकिन पेमेंट तो कराना है ना आपको तो आज तो अभी छुट्टी चल रही होगी ना सर आज का हमें छुट्टी नहीं मिली देखिए ना सर होली पे तो सभी लोगों की छुट्टी होती है फिर आपको क्यों नहीं मिली सर हमारे ऑफिस में छुट्टी नहीं हुई और फिर आपको मिलेगी भी कहाँ से क्योंकि आप तो नेपाल से बोल रहे हो ना सर हमें छुट्टी नहीं मिली आप समझ कर बात कीजिए नहीं तो आप तो नेपाल से बोल रहे हैं ना सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ पर ये नंबर तो नेपाल का है सर हमारी कंपनी का नंबर है ये तो कंपनी नेपाल की है क्या कंपनी अलग अलग नंबर होता है ना सर नहीं तो कंपनी ऐसे कहते कि इंडिया में रह के नेपाल का नंबर यूज कर रही है सर हमारी कंपनी का नंबर है ये हमारी कंपनी के नंबर होता है ये नहीं तो मैडम ऐसे कैसे हो सकता है कि इंडिया में रह के और नेपाल का नंबर सर ये हमारी कंपनी का नंबर है ऐसा तो पोस्ट पर नहीं हो सकता अच्छा नहीं तो पेमेंट तो करवा देंगे तो ये बता दो ना कि ये कंपनी इंडिया की है या नेपाल की है सर ये तो कंपनी हीरो रुपी आपसे आपको लोन लिया था ना सर तो फिर ये नेपाल का नंबर कैसे आ गया सर कंपनी का नंबर है सर तो कंपनी इसका मतलब नेपाल की है सर इंडिया की कंपनी है क्या हो गया सर आपको कौन सी एनबीएफसी कंपनी से है कोई एनबीएफसी तो होगा आपका आपने लिया था ना यहाँ पे तो लोन पे करने के लिए मैंने आपको कॉल किया तो आपने लोन लिया था तो आपका कोई एनबीएफसी तो होगा मैडम जगलोन जैब्रॉन जैब्रॉन एनबीएफसी है जैब्रॉन कौन सा कंपनी है जैब्रॉन तो एक सर आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे है नहीं सर अपना व्हाट्सएप नंबर बोल दीजिए ना मुझे क्यों क्या करना है उसका सर आप पेमेंट करेंगे ना लिंक में आपको सेंड करूंगी तो आप पेमेंट करेंगे ना सर ज्यादा बकवास कर रही है हेलो हाँ जी सर आपको मैं लिंक सेंड कर देती हूँ आप वहाँ पेमेंट कर दीजिए व्हाट्सएप पे बिल्कुल सही गजब बात ठीक है ऐसे ही बात करना है कल करते हैं सर कल तक का तो टाइम नहीं है सर आप हेलो 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 हाँ शमशीर खान लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ सर क्या हुआ क्रेडिट कार्ड गजब बात करता है सर कौन बात कर रहे भाई क्रेडिट बिल से बात कर रहा हूँ क्रेडिट बिल जी बोलिए 11,000 रुपए का लोन लिया है ना सर आपने अभी तक पेमेंट नहीं होना आपका पहला किस्त का हाँ क्या इरादा है सर पेमेंट करेंगे कि नहीं बोलिए आप सर पेमेंट तो करना है ना लेकिन क्या है थोड़ा अभी थोड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए नहीं कर पा रहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना इसके लिए अभी देखिए प्रॉब्लम के लिए लिया था उस प्रॉब्लम में और जाके अंदर चला गया तो इसके लिए और प्रॉब्लम हो रहा है ना अभी कब होगा पेमेंट हाँ सर अभी कब होगा सर पेमेंट सर देखिए मैं पैसे का जैसे इंतजाम होता है वैसे मैं कर रहा हूँ सर पैसे का नहीं थे बताइए सर कौन सी देखने होगा क्योंकि इधर अपडेट करना पड़ता है वरना सारे डिफॉल्टर हो जाएगा आपका इसी के कैसे बताऊँ मैं बताइए अभी कैसा
अभी तो मैं एकदम तो नहीं बता सकता ना सर कि मैं कितने डेट सर ऐसा बोल देंगे तो भाई सर क्यों डेट दिया था किस लिए बोली आप ही बताइए मुझे भी क्या था दिया था खत्म हो गया ना पेमेंट क्या करेंगे बोले सर आपका सिविल आदेश भी अपडेट करना पड़ता है ना वो तो ठीक है सर आपका बात बिल्कुल सही है सर पैसा भी जल्द से जल्द करवाइए सर आप ओके क्योंकि देखिए समय नहीं है अगर पेमेंट नहीं हुआ तो डिफॉल्टर हो जाएगा इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको हेलो कंपनी है ना ये कंपनी के साथ साथ आप बैंकिंग का भी काम कर रही है और आप लोग 15 दिन का लोन ले लेके आप लोग सो जा रहे हैं तो फिर भैया कंप्लेन होगा तो हम नहीं कुछ बता पाएंगे ऐसा मत समझिए ना कि ये बस ऐसी है फेक है आधार कार्ड पैन कार्ड पर दे दिया पिता करेगा घर तक आदमी जाता है सर इस तरह ऐसा मत समझे नहीं लोकल पुलिस थाने में कंप्लेन जाएगी सर मतलब भाई ठीक है जुर्माना किया है कि पुलिस में जाएगा लोन अरे भैया जुर्माना नहीं किया है तो 23 का जनवरी में लोन लिए हैं अभी हो गया जून अब कुछ भी पेमेंट नहीं डाल रहे हैं ना फोन का रिस्पॉन्स देते हैं तो क्या समझेगा आदमी बताइए आप खुद समझदार हैं पढ़े लिखे हैं अगर आप ही का कोई पैसा ले ले कोई रिस्पॉन्स ना दे और ना पेमेंट करे तो कैसा लगेगा आपको आप खुद सोचिए तो समझ रहे हैं तो भैया जब समझते हैं फिर भी आप लोग उदंडता सा पेश आते हैं आपकी मजबूरी में आदमी क्या करेगा पैसा है ना 1 रुपया कहीं गिरा हुआ है रोड पे आप बोल रहे हैं कि पुलिस कंप्लेन दी है तो हम समझे नहीं रोड पे 1 रुपया कहीं गिरा हुआ है नहीं नहीं ये तो बड़े पॉसिबल है रोड पे भंगा को भी 1 रुपया देते हैं तो उसे लाइट कर दिखाता है चेहरा पर तो 8,000-9,000 रुपया पर लिए हुए हैं अगर 8x5 इसको कर दीजिए अभी कुछ 2,000-2,500 का पेमेंट मार दीजिए ऐसा नहीं होगा कि जितना मतलब कि आउटस्टैंडिंग जो इतनी है ओवरड्यू इसको माफ कर दिया जाता है जितना लोन पास हुआ है उतना तो आप जितना लिए हैं उतना का भी पेमेंट कीजिए आपका हम नोटिस करवा देते हैं आप जितना लिए हैं उतने का पेमेंट करना पड़ेगा 1 रुपया ज्यादा नहीं जितना मतलब 8,000 उतने ही 8,059 59 रुपया चार्ज कटा था 2,800 पेनल्टी है वो हम माफ करवाते हैं लेकिन पेमेंट अभी चाहिए अभी तो नहीं भाई 1-2 दिन खाली रुक जाइएगा तो हो सकता है तो अभी कुछ भी कीजिए 2,000 कीजिए रात तक तो हो सकता है जी रात तक 2,000 मतलब अभी करने से फिर उसके बाद आप टाइम ले लीजिए 1 सप्ताह का फिर उसके बाद 8,000 मतलब रहेगा ना उसके बाद आप 6,059 कीजिएगा लोन खत्म सिविल भी खराब हो चुका है सिविल खराब तो हो चुका है सिविल को सुधारने का ही उपाय है कि आउटस्टैंडिंग के साथ आदमी पेमेंट करता है सिविल सुधारने का ये उपाय है अगर सिविल आपको नहीं आप सिविल वैसे भी बम्प कर जाता है मिनिमम आपको कम से कम 1 महीना का समय देना होगा ये लोन चुका कीजिए जितना जल्दी कीजिए ठीक है उसके बाद पेनाल्टी है वैसे भी 1 महीना के बाद उसमें से हट जाता है तो नहीं होगा लेकिन हाँ यही है कि अगर पेनाल्टी के साथ पेमेंट कीजिएगा तो सिविल तो सुधार होगा ही होगा अच्छा अगला बार आप 8,000 से सीधे आपका 25,000 का लोन इशू हो सकता है किस्त एप्लीकेशन से साथ में ये पेमेंट कीजिएगा अगला लोन आपका 25,000 का है क्योंकि अब सब 10,000 के नीचे लोन बंद कर दिए 10,000 के नीचे अब लोन सारा बंद कर दिया सारा बंद होगा इस अकॉर्डिंग दोनों में 25, 50, 1 और 3 रिंग का भी आप ही के पास आता है ना रिंग का भी मेरे पास है वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप पटना डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं अच्छा इसलिए अभी एक पेमेंट आप गिरा दीजिए मेरे कहने से पेमेंट कीजिएगा तो भैया मुनाफा आप ही को होगा ना हमको क्या होगा हम तो एक माध्यम है आपको समझा रहे हैं आपके माध्यम से पैसा निकलेगा गुरु से हम भी कमाएंगे तो मतलब कि आप लोग को भी मतलब कि आप रिकवरी एजेंट है ना है हम लोग रिकवरी हेड हैं सर SMT बोला जाता है हम लोग का लड़का काम करता है फील्ड में ओ अच्छा ठीक है तो रात तक हम कह रहे हैं कि कॉल कीजिएगा आप 2,500 जो आ रहे हैं तक नहीं सर अभी व्यवस्था कीजिए ना अभी अगर है तो कर दीजिए पेमेंट 2,500 या 2,800 कुछ भी एगो पेमेंट कर दीजिए एगो आपको रसीद कटवा के हम दे देते हैं
बाकी पेमेंट आप हमसे 7 दिन का समय ले लीजिए, पूरा कंप्लीट कर दीजिए, हो गया। देखिए इंसान चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंसान चाहना ही नहीं चाहता है। देखता है कि वह चलो NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है सर, 5 करोड़ रुपया एक साल में देती है ये इसको है RBI को। अच्छा ये तो समझ ही रहे, NBFC से रजिस्टर्ड किस्त भी है, रिंग भी है, रुफिलो भी है, रुफिलो ये रिंगी का नाम से है ना, रिंगी का प्रोडक्ट है रुफिलो। मतलब 3 कंपनी है ना, यहाँ नाम तो खाली किस्त से लिए है। इसका बहुत अच्छा स्कोप आने जा रहा है आगे चल के, अगर आप सही से बर्ताव रखिएगा इस एप्लीकेशन के साथ तो आगे चल के मिनी बैंक बनने जा रही है। तो जो जो इसमें कस्टमर लकी है, जो जो अपना टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, वो सबके लिए अच्छी बात है। जैसे इसमें लिए लोन, क्या हम बोल रहे हैं ना कि ठीक है पेनल्टी माफ हो जाएगा, 250 रुपया पेनल्टी का कोई माफ कर दे रहा है, 6 महीना आप पैसा रख रहे हैं, 1 रुपया चार्ज नहीं ले रहा है, तो इससे बड़ा क्या चाहिए आपको। आपका लोन भी क्लोज हो जाएगा, नोटिस मिल जाएगा, पेनाल्टी खत्म हो जाएगा, तो सिविल स्कोर भी सुधार हो जाएगा। अब ऐसा कहीं है तो ओवरड्यू जितना ही पड़ेगा सिविल, हाँ सिविल स्कोर को तुरंत सुधार करने के लिए और अमाउंट बढ़ाने के लिए वो देना पड़ता है आउटस्टैंडिंग के साथ, ताकि आपके नजर में कंपनी को लगे ये लड़का जो भी है जेन्युइन पर्सन है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है और फाइनेंसिंग सेक्टर में इसका ओल झोल नहीं है। ठीक है रुक जी, 10-15 मिनट में कॉल करें, लिंक भेज दीजिए, हम एक अकाउंट नंबर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐप के थ्रू जाए, अदर ऑप्शन पे भी है, अदर ऑप्शन का इसमें ऑप्शन है। देखिए हम 2500 का लिंक भेजे हैं, लास्ट में 30-31 है, लेकिन ये अपडेट होने में कम से कम आपको 3-4 दिन लग जाए। और हमारे सीनियर एक हैं कृष्ण नरेन मरौदी, अच्छा उनके पास आपका नंबर देते हैं, उनके पास आप भेजिएगा तो 1-2 घंटा में अपडेट करके दिखा देंगे आपको कि हाँ भैया आपने 2500 का पेमेंट, 2800 का, 2500 नहीं 2800 का, किसी फ्रॉड अगर होता सर तो फिर हम आपको कॉल नहीं करते ना, फ्रॉड होता तो आपसे इतना वो बात नहीं करता, आपका सारा कुछ डिटेल्स मेरे पास है। ठीक है मैं ये आपको देखिए ना लिंक भी भेजा हूँ 2500 का, आपसे आगे मैसेज में आगे। ठीक है देखिए आप जो भी हो नीरू देवी के रिलेटेड, सबसे पहली बात कि आप एक नंबर के झूठे हो, ठीक है, और आप किनसे बात कर रहे हो ये आपको पता नहीं है। रिकवरी बॉय भी हमारा एक है ना, तो उसका 25 लाख का इंश्योरेंस है सर, ठीक है, किस्त, ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जिसे आप समझ रहे हो, ठीक है। रिकवरी बॉय सिंगल पीस अगर चाहेगा ना तो आपको इतने से लोन के लिए लीगली 6 महीना प्लस, ठीक है, 6 महीना प्लस आपको पुलिस कंप्लेन केस, जिसमें आपको 6 महीना का केस हो सकता है, आई मीन जेल हो सकता है, ये छोटा मोटा नहीं है सर, ठीक है। और आप जिनसे बात कर रहे हो क्या बोले तुम, कितना मिलता है केस का, अरे यार तुमको इससे क्या मतलब है, तुम रुपया लिए हो तुम पे करो ना, लेने वक्त तो तुमको नहीं अच्छा लगता था, देने वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैटर को डिसबर्स मत करो, पेमेंट है पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, आगे आपको क्या मतलब है भाई, आप मेरे से फेस टू फेस मिलना चाहेंगे, मैं दूर का नहीं हूँ, मैं आड़ा का ही हूँ, ठीक है। आप कल मेरे से 10 बजे कहीं भी, केजी रोड, नवादा चौक, रमना मैदान, बजाज शोरूम, मौलाबाग, शिवगंज, बस स्टैंड, कहीं भी मिल लो हमसे पहले, ठीक है, उसके बाद ही तुम पेमेंट करियो, ओके। देखिए
हाँ हाँ बोलिए, हम उन्हीं का मतलब बोल रहे हैं, बोलिए। उन्हीं का कौन बोल रहे हैं आप? हम उन्हीं के घर से बात बोल रहे हैं, बताइए। घर से कौन है आपके? हम उनके लड़का हैं, बताइए ना, लड़का है उनके। आपके लड़के हैं? हाँ। आपके मम्मी पापा से बात हो चुकी है? वो तो अभी घर पर नहीं है, इसीलिए बताइए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं आपसे बात करनी थी मुझे, आपसे कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ मैं आपको? नहीं तो जो भी है बताइए, आप बता देंगे। घर पे कब रहते हैं वो? घर पर वही 9 बजे के बाद आएंगे। 9 बजे के बाद आएंगे? दोनों लोग 9 बजे के बाद आएंगे। और सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह में जाते हैं वही 9 बजे के बाद, 10 बजे के करीब। आपका आपका मम्मी पापा का जनरल स्टोर है ना? हाँ हाँ बताइए। जनरल स्टोर है तो फिर तो दिन में घर पे ही आते होंगे ना खाना वाना खाने के लिए? नहीं नहीं खाना पूरा एकदम उनका नंबर तो दूर है ना, नंबर होगा। देखो मैं लीगल टीम से बात कर रही हूँ, बैलेंस का जीरो देखते के नाम से वो लोन हुआ है ना, वो तुम लोग लोन नहीं चुका पा रहे हो ना कंपनी का। अच्छा हाँ, तो आपकी मम्मी के ऊपर तो बोलना था कि स्थिति थोड़ा खराब है, इसीलिए लोन नहीं चुका पा रहे। स्थिति कितना खराब है? 6 महीने से तुमने 1 रुपया नहीं दिया है कंपनी का। 1 रुपया दे देंगे तो हो जाएगा? बस बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ। 6 महीने से 1 रुपया कंपनी का पेड नहीं किया गया है। हाँ तो मम्मी को बताइए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुआ है, कोर्ट में आना पड़ेगा उनको, ठीक है? अच्छा तो इसके लिए क्या करना होगा बताइए? अपना कम से कम 1 EMI पेड कीजिए, जैसे कि हम ये रोक पाए। लीगल नोटिस घर पर भी आएगा? हाँ जी घर पे आएगा, लेकिन अभी आया नहीं है। हाँ तो डिस्पैच कर दिया है, रिसीव हो जाएगा आपको, कंपनी ने आपको मैसेज भेजा है, आपको रिसीव भी हो जाएगा। अच्छा रिकवरी एजेंट वो भी? दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, जहाँ पर आपका जनरल स्टोर है वहाँ पर भी, और जहाँ आपका घर है वहाँ पर भी। जैसे कंपनी को पैसा नहीं मिला है तो कंपनी कुछ ना कुछ तो करेगी ना। अच्छा तो इसका सेटलमेंट होता है कि नहीं होता है ये पूछ रहे थे? सेटलमेंट नहीं होगा, आप एक ही करके हमारी पेड कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब पर देख रहे थे, बोल रहा था कि सेटलमेंट होता है, तो यूट्यूब से सेटलमेंट करवा लीजिए फिर, हम तो नहीं करेंगे। उसको जो यूट्यूब में जिसने वीडियो बनाया ना उसको बोलो वो करवा देगा आपका सेटलमेंट। वो लोग तो वीडियो बनाते हैं इसीलिए बोले, वो वीडियो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, उनको तो उससे पैसा कमाएंगे ना वो तो। आप उसे देखोगे, आप सब्सक्राइब करोगे तो उसको तो पैसा मिलेगा यूट्यूब से। हाँ लोगों को पागल बनाते हैं वो, उनका काम ही यही है। सेटलमेंट नहीं होगा, आप एक एक करके हमें दे सकते हो, तो सेटलमेंट का अमाउंट आप पेड नहीं कर पाओगे, तो एक साथ देना पड़ेगा ना। अच्छा तो 24 घंटे का टाइम जाता है देने का, वो तो आपसे पॉसिबल ही नहीं है देना, पेमेंट ज्यादा होगा। आप एक एक करके हमें दे सकते हो। ठीक है ठीक, मम्मी को बता दीजिएगा कल तक हम इंतजार करेंगे, अगर कल तक हमारा 1 EMI आप लोग देते हो तो अच्छी बात है ना, तो कल के बाद हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि